हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाई नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकेंड CBSE बोर्ड से इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस। इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में आपके साथ इस बुक की शेयर कर रही हूँ। ये एक CBSE स्कूल के इंग्लिश ग्रामर के बुक है, तो चलिए देखते हैं। कंटेंट नंबर 1 में आ जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिविजन। सबसे पहले इस क्लास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रिवीजन करवाई जाती है बच्चों की। स्मॉल एंड कैपिटल दोनों लेटर्स लिखना बताया जाता है, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किस प्रकार हम लिखेंगे वो भी उन्हें रिवीजन करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस प्रकार कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस प्रकार लिखा जाए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स रहते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अरेंज द नेम्स ऑफ फॉलोइंग थिंग्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इस प्रकार के थिंग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है, जैसे फर्स्ट ए हो जाएगा एक्स, ए बी बैग, सी कैप, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार जंबल वर्ड्स हैं और वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देखिए इस प्रकार अल्फ़ाबेटिकल इसको ऑर्डर करना है, रीअरेंज करके इसको मैच करना है। नेक्स्ट, इसी प्रकार इसमें सम वर्ड्स हैं जिसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है। दूसरा टॉपिक हो जाता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंतर्गत बच्चों को स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, सेंटेंसेस क्या होते हैं वो इसके अंतर्गत बताया जाता है। कौन से स्टेटमेंट सेंटेंस में स्टेटमेंट्स होते हैं और कौन से सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई लिव इन गोवा, व्हाट इज़ योर नेम। द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस समथिंग, इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड फुल स्टॉप। एंड सेकेंड, अ सेंटेंस डैट टेल अस समथिंग इज नोन एज स्टेटमेंट। इट ऑलवेज एंड ऑफ फुल स्टॉप। इट्स सेकेंड सेंटेंस आस्क समथिंग, इट इज कॉल्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इट एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। इस चैप्टर में बच्चों को रीअरेंज द गिवन वर्ड मेक अ सेंटेंस। कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं आगे पीछे, जिसको रीअरेंज करके सही तरीके से लिखना है। जैसे प्लेस रूबी फुटबॉल, तो इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं रूबी प्लेस फुटबॉल। नेक्स्ट, इसमें बच्चों को ये बताना होता है कि कौन से सेंटेंस जो है स्टेटमेंट हैं और कौन से क्वेश्चन मार्क हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग स्टेटमेंट, व्हाई इज द बेबी क्राइंग क्वेश्चन। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फ्रॉम क्वेश्चंस, बिंग इच क्वेश्चन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। यानी जो वर्ड दिए गए हैं उसको सबसे पहले रीअरेंज करके सही करना है, और कहाँ पे फुल स्टॉप और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा वो उसे लिखना है। इसी प्रकार मैच द फॉलोइंग भी इस प्रकार के क्वेश्चंस में बच्चों को सॉल्व करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है नंबर 3 टॉपिक्स नेमिंग वर्ड्स नाउन। इसके अंतर्गत अंडरलाइन द नाउन्स बताए जाते हैं, और कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन क्या होते हैं वो बच्चों को बताया जाता है। इसके अंतर्गत क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो सेंटेंस में उन्हें नाउन को अंडरलाइन करना होता है, और प्रॉपर नाउन कौन से हैं, कॉमन नाउन कौन से हैं, ये आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर 4 टॉपिक मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। इसके अंतर्गत सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स बताए जाते हैं, और एस और यस लगाकर उन्हें सिंगुलर और प्लूरल नाउन बनाने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन यूज इसमें एस या ईएस लगाकर बनाना होता है, जैसे डक डक्स, क्लॉक क्लॉक्स, डिस डिसेस। नंबर 5 वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड प्रोनाउंस। साथ ही इसमें जेंडर भी नेमिंग वर्ड्स के अंतर्गत इन्हें बताए जाते हैं, फीमेल जेंडर एंड मेल जेंडर, जैसे काउ बुल सिस्टर ब्रदर। नेक्स्ट हो जाता है नंबर 5 वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। इसके अंतर्गत प्रोनाउन यूज करना बताया जाता है, वैसे वर्ड जिसका यूज हम नेमिंग वर्ड्स की जगह पर करते हैं, जैसे
दे वी यू सी ही आई इट, इन सभी का प्रयोग सेंटेंस के द्वारा बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसके अंतर्गत एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव नाउंस के बारे में कुछ बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल गर्ल्स, न्यू हाउस, बिग एलिफेंट, यहाँ पर लिटिल, न्यू, बिग, ये सारे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्हें आते हैं, सेंटेंस दिए रहते हैं जिन्हें इन्हें सर्कल करके बताना होता है कौन से वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इन्हें इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, पिक्चर्स देखकर डिस्क्राइबिंग वर्ड को टिक लगाना होता है कि कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। राहुल इज अ थिन बॉय, यहाँ पर थिन क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार करवाए जाते हैं, मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड विद इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, जैसे वाइट, ब्लैक, ओल्ड, यंग, टेल, शॉर्ट। अपोजिट वर्ड को लेते हुए इनमें एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ ही कंपैरिजन ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ पीजन इज ए स्मॉल बर्ड, अ स्पैरो इज ए स्मॉलर देन अ पीजन, तो स्मॉल एंड स्मॉलर ये भी आपका एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है। जैसे साइज ऑफ पिजन बताया गया है स्मॉल, एंड सेकेंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड स्मॉलर टेल अस द साइज ऑफ ए स्पैरो इज नॉट एज बिग एज अ पिजन। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स दिए रहते हैं और इसमें हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड फिलअप करना होता है। इस प्रकार बच्चों को एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है डूइंग वर्ड्स, जिसके अंतर्गत ये वर्ब होता है। वर्ब पार्ट 1 के अंतर्गत डूइंग वर्ब्स करवाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस व्हाट ए पर्सन और एनिमल डज। वर्ब एक शब्द होता है जो बताता है कि कोई पर्सन या एनिमल क्या काम कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जैसे लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट डूइंग वर्ड विद फ्रॉम हेल्प बॉक्स। ये पिक्चर दिए गए हैं और हेल्प बॉक्स की मदद से इनमें डूइंग वर्ब को हमें फिलअप करना होता है। जैसे द मून शाइंस इन द स्काई, शाइन इन द स्काई एट अ नाइट, तो यहाँ पे शाइन हो गया डूइंग वर्ब। आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क, प्ले हमारा वर्ब हो गया। नेक्स्ट इस चैप्टर में बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, मैच द डूइंग वर्ड विद द करेक्ट पिक्चर। पिक्चर को देखकर डूइंग वर्ब हमें मैच करना है। फ्लाई, ड्रिंक, क्लैप, इस प्रकार। फिर इसी में इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, अंडरलाइन द डूइंग वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी डूइंग वर्ब को अंडरलाइन करना होता है। नेक्स्ट डूइंग वर्ब में ing लगाकर उन्हें सेंटेंस बनाना होता है। जैसे एड ing एंड री राइट द गिवन डूइंग वर्ड, क्लीन, क्लीनिंग, लाफ, लाफिंग। नेक्स्ट नंबर 8, इसके अंतर्गत यूज ऑफ एम, इज, आर एंड वॉज वर, वेयर, वर्ब नंबर 2, यानी वर्ब के सेकेंड पार्ट में इन्हें एम, इज, आर, वॉज, अर्न, वेयर का प्रयोग बताया जाता है। इस चैप्टर में इन्हें इस प्रकार के क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम और आर, जैसे द एप्पल्स आर स्वेट, आई एम और टेल बॉय। फिर इसी प्रकार यूज ऑफ वॉज और वर का प्रयोग करना बताया जाता है। यूज वॉज इंस्टेंट ऑफ एम एंड इज, और यूज वेयर इंस्टेंट ऑफ आर। वी मे ऑल्सो यूज वर्ड लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर, एक्सेट्रा विथ वॉज एंड वर। वॉज और वर का प्रयोग कहाँ होता है एंड इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें सेंटेंसेस के द्वारा उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज और वर। वॉज जो है सिंगुलर पर्सन के लिए हो जाता है और वेयर प्लूरल पर्सन के लिए। आई वॉज एट ग्रैंडमा हाउस यस्टरडे, वी वेयर इन द गार्डन मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट इवनिंग। इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करवाकर उन्हें इसकी
प्रैक्टिस करवाई जाती है, वाज, वर, इज, एम, आर। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है यूज ऑफ हैज एंड हैव वर्ब पार्ट थर्ड में, इन्हें हैज और हैव का प्रयोग बताया जाता है। वी यूज हैज टू टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। वी यूज हैव टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हैज का प्रयोग वन पर्सन के लिए किया जाता है, जबकि हैव का प्रयोग एक पर्सन से ज़्यादा के लिए किया जाता है। इस तरह के हैज और हैव के क्वेश्चंस के द्वारा उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसमें क्वेश्चंस हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, टिक हैज और हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे पैरोट, हैव, रेड, बिग। पैरोट्स हो गया तो एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ हैव लग गया। उसी प्रकार ही हैज अ सेट ऑफ कलर, ही वन पर्सन हो गया तो इसके साथ हैज लग गया। तो इस तरह इनको हैज और हैव की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है नंबर 10, प्रेजेंट टाइम एंड द पास्ट टाइम। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के बारे में इस क्लास में बच्चों को थोड़ा सा बिगनिंग नॉलेज दी जाती है। पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस, जो काम पास्ट में हो चुका है, जैसे आई हेल्प माई मदर इन द हाउस यस्टरडे, मैं कल अपनी मम्मी की मदद की थी, ये हो गया पास्ट टेंस। उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस, स्टार ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं, तो ये जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। इस प्रकार बच्चों को समझाकर इन्हें क्वेश्चंस के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाती है। इनमें क्वेश्चन हो जाता है सर्कल द एक्शन वर्ड विद टेल अबाउट एवरी डे एक्शन, जैसे एक्शन वर्ड हो गए फादर रीड्स इन न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, एक्शन वर्ड हो गए, इसके द्वारा इन्हें प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं, टिक द एक्शन वर्ड डैट इंडिकेट एक्शन डैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, सी सॉ ए पीकॉक यस्टरडे। सॉ क्या हो गया? पास्ट टेंस में हो गया, यस्टरडे चला गया, तो चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द क्लॉन। तो इस प्रकार के प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक होता है यूज ऑफ ए एन और द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की इस क्लास में बताई जाती है बच्चों को ए एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे इसमें क्वेश्चंस हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, ए और एन का प्रयोग इन्हें करवाया जाता है। फिर यूज ऑफ द, इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं यूज ए एन द इन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग ए एन और द। इस प्रकार एक पैराग्राफ रहता है और इमेज बने रहते हैं, पिक्चर बने रहते हैं, पिक्चर की सहायता से इस पैराग्राफ को ए एन और द के द्वारा कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है नंबर 12, पोजीशन ऑफ वर्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का पोजिशन बताने वाले को, सेंटेंस के पोजिशन बताने वाले को प्रीपोजिशन कहते हैं, पोजिशन वर्ड अर्थात प्रीपोजिशन। पोजिशन वर्ड आर कॉल्ड प्रीपोजिशन एंड पोजिशन वर्ड टेल अस द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विद। इसके अंतर्गत हम इस प्रकार के क्वेश्चंस देख सकते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विद अंडर, इनसाइड, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और ऑन। इस प्रकार इसमें पिक्चर्स दिए रहते हैं और पिक्चर्स को देखकर बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है प्रीपोजिशन की, अंडर, इनसाइड, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और ऑन। नेक्स्ट इस प्रकार के भी क्वेश्चन रहते हैं, टिक द करेक्ट पोजिशन वर्ड पिक्चर्स देखकर। इसमें ऑप्शंस रहते हैं, दो ऑप्शंस, इनमें से एक पर टिक लगाना रहता है। इस प्रकार इनके प्रीपोजिशंस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत उन्हें कंजक्शन बताया जाता है। कंजक्शन के अंतर्गत उन्हें और, एंड और बट का प्रयोग बताया जाता है। कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। वी यूज ज्वाइनिंग वर्ड टू ज्वाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। वी ऑल्सो वी यूज ज्वाइनिंग वर्ड टू ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, साहिल इज टॉल, मीरा इज अ टॉल, साहिल एंड मीरा आर टॉल। इस प्रकार ज्वाइनिंग वर्ड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को एंड, बट और
ज्वाइनिंग वर्ड्स या कंजक्शन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस के द्वारा उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ज्वाइनिंग वर्ड और एंड और बट, कुछ इमेज दिए रहते हैं और सेंटेंस को इमेज को देखकर कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के रहते हैं। इसमें पिक द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे पारुलू इज वेरी टैलेंटेड, सी कैन डांस और सिंग वेल। ऑप्शंस दिए रहते हैं, बट एंड और इसमें से कौन से ऑप्शन है उसमें टिक लगाना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है 15, क्रिएटिव राइटिंग कॉर्नर नंबर 14, सॉरी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत इन्हें छोटी छोटी स्टोरी रहती है जो एक्सप्लेन करके उसी स्टोरी से उन्हें क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर द फॉलोइंग, आंसर इन वन वर्ड, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग कॉर्नर। इसके अंतर्गत इन्हें एक स्टोरी इमेज के द्वारा छोटी स्टोरी बताई जाती है और इस स्टोरी से रिलेटेड इन्हें एक पैराग्राफ दिया रहता है और बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं जिसे स्टोरी देखकर उन्हें यहाँ पर फिलअप करवाना रहता है। एंड लास्ट 16, पिक्चर कंपोजिशन के अंतर्गत बच्चों को एक पिक्चर्स दिए रहते हैं और पिक्चर से संबंधित पिक्चर को देखकर इन्हें स्टोरी कंप्लीट करना रहता है, या फिर एक पिक्चर दिए रहते हैं पिक्चर से संबंधित दो तीन सेंटेंस लिखना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट टू और थ्री सेंटेंस अबाउट ईच। कोई भी पिक्चर्स रहते हैं और उस पिक्चर से रिलेटेड दो या तीन सेंटेंस उन्हें लिखना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट के पूरे सिलेबस को वीडियो बनाई है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और क्लास सेकेंड की मैंने मैथ्स एंड ईवीएस की सिलेबस बना चुकी हूँ, आप वो भी वीडियो हमारे लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के चैप्टर वाइज मैं ऑल सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, तो उसे भी आप अवश्य देखें। थैंक यू।